शमशीर से। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। लोहता पुलिस ने गांजा तस्कर को धर दबोचा, 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद भेजा जेल। लोहता थाने की पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़ा गया युवक धमरिया पानी टंकी के पास गांजे की डिलीवरी के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। उसकी गतिविधियों की सूचना पुलिस को कई माह से लगातार मिल रही थी। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी के दिशा निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लोहता पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को दबोच लिया। लोहता थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को 1 बजे पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि अवैध गांजे के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति थाना क्षेत्र के धमरिया मोहल्ला 2.5 गजा मजार के पास खड़ा होकर कहीं जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक राजेश त्रिपाठी, उप निरीक्षक श्याम लाल सरोज, उप निरीक्षक मनीष कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश सिंह, आनंद सिंह, अजीत कुमार ने धमरिया पहुंचकर संदिग्ध खड़े व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करते हुए तलाशी ली। आरोपी के पास से अवैध गांजा पुलिस टीम ने बरामद कर लिया। आरोपी को पकड़कर पुलिस लोहता थाने ले आई, जहां पर गांजा तस्कर मंगल उर्फ अब्दुल नसीर 55 वर्ष पुत्र मजीद निवासी ग्राम मोहल्ला धमरिया थाना लोहता जनपद वाराणसी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0253/022 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तस्कर को पुलिस ने जेल भेज दिया। रिपोर्ट वाराणसी से आजाद खान की रिपोर्ट।